अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रैबर एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, दो मुतगैर कत्ती मसावात पार्ट थ्री, जो मश्क 1.4 पर मबनी है। और इसके जो सवालात है वो थोड़े से मुश्किल सवालात होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जब आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को बगौर देखिए और उसको अच्छे से समझिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मश्क 1.4 का जो है पहला क्वेश्चन है जो आपका, इसमें लिखा है दर्ज झेल हमजात मसावते हल कीजिए। अब ये मसावत दी गई है, देखिए 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। तो ये तो मसावते है बच्चों, इसको जाहिरी तौर पर ये हमजात मसावत नहीं है, ये याद रखिए, इसको हमजात मसावत में तब्दील करना है और उसके बाद फिर इसको जो है हमको हल करना है। तो चलिए पहली मसावत में लिखता हूं बिना टाइम पास किए। तो पहली मसावत हमने यहां पर लिख लिया, देखिए 2/x - 3/y = 15। अब इसको हल किस तरह करना है बच्चों, बहुत गौर से और बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है और समझना है। अगर आप ये वीडियो समझ लिया तो आपको आगे की जो सवाल आते हैं वो बहुत इजी समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान समझ में, आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए क्या करना है बच्चों आपको, ये 2/x जो है या 3/y जो है, हमको ना पहले इसको तब्दील करना है हमजात मसावत, यानी दो मुतगैर खत्ती मसावत में। तो उसको तब्दील किस तरह करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इस मसावत को पहले तब्दील कर रहा हूँ कैसे। देखिए ये 2/1 जो है ना, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 2 ÷ 1/x नफी 3 ÷ 1/y = 15, क्योंकि 2 × 1 = 2 ही होता है बच्चों, 3 × 3 ही होता है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, मैंने इस तरह इसलिए लिखा हूं ताकि आपको मैं आगे जो फर्ज करूंगा, जो कीमत वो आपको इसमें किस तरह रखी गई है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए बच्चों मैंने इसको इस तरह जो है वो चेंज किया। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह इसमें आप कीमतें रखना है हमको। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो है ना, ये जो 1/x है, ये 1/x और ये 1/y, इसकी कीमतें कोई दूसरा मुतगैर फर्ज करना है। तो चलिए हम फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए 1/x = m और 1/y = n, यानी ये 1/x की कीमत मैंने m को फर्ज कर लिया और 1/y की कीमत मैंने n फर्ज कर लिया। तो ये फर्ज करने से बच्चों क्या होगा, हमारी जो मसावत है वो सही तौर से तब्दील हो जाएंगी और फिर हम उसको हल करने के बाद हम यहाँ पर आगे उसकी कीमतें मालूम करेंगे। तो चलिए 1/x m है जो ये मसावत में रखते हैं हम, देखिए ये पूरा 1/x यहाँ से निकालूंगा मैं और उसकी जगह पर m रखूंगा, और ये 1/y यहाँ से निकालेंगे पूरा ऐसा और उसकी जगह पर n रखेंगे। तो जब ये पूरा निकलेगा तो यहाँ 2 तो बचा है, तो 2m और यहाँ पर 3n = 15। तो देखिए कैसी मसावत बनेंगी हमारी, ये दोनों मसावत में रखने पर पुट इन द इक्वेशन, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी 2m ÷ 3n = 15, जैसे मैंने अभी तुमको आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए अब इसमें क्या करते हैं ना बच्चों, हम लोग यहां पर ही मसावत हमारी बन चुकी है हमजात मसावत या दो मुतगैर खत्ती मसावत, हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको नंबर दे देंगे नंबर 1, ठीक है। अब जैसे मैंने हम ये मसावत में रखा, मसावत नंबर 1 में, दूसरी मसावत में भी रखकर हमको इसको तब्दील करना है, चेंज करना है। तो दूसरी मसावत लिखते हैं बच्चों, देखिए दूसरी मसावत 8/x + 5/y = 77, ये दी गई थी हमारे पास सवाल में। अब इसमें भी उसी तरह करेंगे, मैं इसको भी चेंज करता हूं बच्चों, इस तरह जैसे मैंने पहली मसावत को चेंज किया, तो इसको भी हमने इस तरह तब्दील कर लिया। अब तब्दील करने के बाद क्या होगा, इसकी कीमत रखेंगे हम 1/x की जगह m रखेंगे, 1/y की जगह हम n रखेंगे, तो बच्चों मसावत बनेगी 8m + 5n = 77। तो चलिए मसावत बनाते हैं 8m + 5n = 77। उम्मीद करता हूं ये जो कीमतें किस तरह रखी जाती है ये आपको समझ गया होगा। 1/x को निकालना है, 1/y को निकालना है और इसको तब्दील करना है दो मुतगैर खत्ती मसावत में। इसको मसावत नंबर 2 देते हैं बच्चों। अब देखिए मसावत 1 और मसावत 2 हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले याद रखिए बच्चों, जो हमजात मसावत हल करने का तरीका है उसमें आप क्या कीजिए, तो एक तो अलग अलग तरीके हैं। तो जो बेसिक तरीका है, जो बुनियादी तरीका है, वो ऐसा है कि आपको इन दोनों मसावत में से
किसी एक मुतगैर को इखराज करना है, मतलब यहाँ से निकालना है, एलिमिनेट करना है। तो आप फर्ज कीजिए मुझको यहाँ पर देखिए ये एम या एन, यहाँ एम या एन दोनों में से किसी एक को यहाँ से मुझे इखराज करना है। तो आप डिसाइड कीजिए, आप खुद फैसला कीजिए आपको कौन सा निकालना है। मैंने फैसला किया मुझे एम निकालना है, यहाँ से एम को यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है, इखराज करना है। अब ये तो डिसाइड हो गया। डिसाइड करने के बाद बच्चों क्या करना है कि दोनों का ज़रीब देखना है। एम का ज़रीब कितना है? दो। एम का ज़रीब आठ। तो ये जो दो है और ये आठ है, ये अलग अलग है। जिसको भी हमको इखराज करना है, खारिज करना है, उसके ज़रीब मसावी होना ज़रूरी है। तो इसका ज़रीब दो है, इसका ज़रीब आठ है, तो मसावी नहीं है, तो मसावी बनाएंगे। ये अगली स्टेप आ गई। मसावी बनाएंगे किस तरह? तो मसावी बनाने के लिए अगर मैं ये दो को चार से ज़रब करता हूँ बच्चों, तो ये चार दुनी आठ हो जाता है, मतलब मसावी हो जाएगा। तो अब अकेला दो इसको ज़रब नहीं कर सकता, इसलिए पूरी मसावात को मुझको ज़रब करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखते हैं कि मसावात एक को चार से ज़रब करने पर। तो मसावात एक को अगर मैं चार से ज़रब करता हूँ, तो चार दुनी आठ, चार तिया बारह और चार पंद्रह चौक साठ। तो हमारे पास मसावत बनेगी चार दुनी आठ, चार तिया बारह और पंद्रह छः साठ। यानी मैंने चार से पूरी मसावत को जर्ब कर दिया बच्चों। तो आप देखिए ये जो मसावत थी, मसावत दो, यहाँ पर भी आठ एम हो गया और यहाँ पर भी आठ एम हो गया, मतलब यहाँ पर मुतगैर जो है उनके ज़रीब जो है वो मसावी हो गए, दोनों आठ आठ हो गए। तो अब आसानी से हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इखराज कर सकते हैं। तो इसको मसावत नंबर हम देते हैं तीन। अब देखो बच्चों ये जो मसावत नंबर तीन आई है, मसावत दो और तीन को, अब इसको इखराज करने का अगली जो स्टेप है वो कैसे है? तो इनकी निशानियां देखिए, इनकी जमा निशानी है, इसकी भी जमा निशानी है। जब निशानी जमा जमा या नफी नफी, यानी एक जैसी निशानी हो, इसकी भी जमा है, इसकी भी जमा है, या इसकी भी नफी होती है, इसकी भी नफी होती, दोनों जिसको इखराज करना है उसकी निशानियां अगर एक जैसी है तो मसावत की हमेशा तफरीक करेंगे, याद रखिए बात को। तो यहाँ पर और निशानियाँ अगर अलग अलग है तो जमा करेंगे। अब निशानियाँ एक जैसी है, चाहे जमा जमा हो चाहे नफी नफी हो। तो यहाँ पर निशानी जमा जमा है, इसलिए मसावात दो और तीन की मैं तफरीक करूँगा। तो लिखेंगे मसावात दो और तीन की तफरीक करने पर। तो मसावात दो लिख लेते हैं। चलिए देखिए, आठ एम जमा पाँच एन बराबर सतहत्तर, ये मसावत दो है। मसावत तीन भी लिख लेते हैं, आठ एम नफी बारह एन बराबर साठ, और इन दोनों मसावत की नफी करते हैं, तो नफी की अलामत लगाया। अब देखिए गौर कीजिए कि जब भी मसावत की नफी करते हैं तो जो नीचे वाली मसावत है उसकी तमाम के तमाम निशानियां जो है वो बदल जाती है। अब आठ के साथ यहाँ पर जमा की निशानी थी, इसलिए मैंने नफी लगा दिया। देखिए अब यहाँ पर ये नफी है बारह के साथ, तो इसको जमा कर दूंगा, और यहाँ साठ के साथ भी जमा है तो इसको नफी कर दूंगा। तो ये निशानियाँ बदल जाती है, ये बात याद रखिए बच्चों। निशानियाँ बदलने के बाद अब यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। आठ आठ को यहाँ से हमने माइनस कर दिया, मतलब निकाल दिया, खारिज कर दिया। तो हमारे पास बचा पाँच एम और बारह एम, ये निशानी का अब काम नहीं है, जो माइनस की निशानी है। अब ऊपर की जमा और ये जमा, जमा 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 ही होता है, बारह और पाँच सत्रह हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लिख लेते हैं सत्रह एन, और यहाँ पर देखिए सतहत्तर माइनस साठ, सतहत्तर में से साठ माइनस करेंगे तो हमारे पास सत्रह बचेगा। तो सत्रह एन बराबर सत्रह। तो अब ये क्या करेंगे, हमको एन की कीमत यहाँ से मालूम करना है। तो देखिए एन के साथ सत्रह जरब में है, जब उधर जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा। तो ये एन को मैं देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, सत्रह पहले से था और ये एन का सत्रह इधर आया, तो यहाँ पर तकसीम में आ गया। अब सत्रह की सत्रह, तो एन बराबर एक। तो उम्मीद है बच्चों ये यहाँ तक आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि n की कीमत हमने किस तरह निकाले। अब m की कीमत निकालने के लिए जो n की कीमत आई है वो मसावत एक में रखी है, मसावत दो में रखी है, मसावत तीन में रखी है, आपकी मर्जी, जो मसावत में आपको रखना है आप रखिए, कीमत वही आएगी। तो मसावत एक में मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मसावत एक जो है वो आसान मसावत है। तो बच्चों आप भी जो है वो आसान मसावत को चूज करके उसमें जो है वो आपको कीमत रखना है। तो मैं मसावत एक में रख रहा हूँ क्योंकि वो आसान मसावत है। तो मसावत एक में एन की कीमत रखने पर तुम्हारे पास देखिए, मसावत एक पर लिख लेता हूँ, ये है ये जी, यहाँ पर तो दी दो एम नफी तीन एन बराबर पंद्रह, दो एम नफी तीन एन बराबर पंद्रह। अब यहाँ पर एन की प्लेस पे एक रखूंगा तो देखिए दो एम नफी तीन जरब एक बराबर पंद्रह। अब तीन एक तीन ही हो जाएगा बच्चों, तो ये नफी जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे दो एम बराबर पंद्रह जमा
तीन, क्योंकि नफे को इधर लेके आ गए हमने। 15 और 3 कितना हो गया बच्चों? 18। तो 2m बराबर 18, 2 को इधर लेकर आइए, तकसीम में आ जाएगा बच्चों, तो यहां पर मिलेगा m बराबर 18 बटे 2, 2 एक 2, 2 नवा 18, इसको तकसीम कर दीजिए तो m बराबर 9 आएगा। देखिए अजीज तलबा, अब आपकी दो कीमत यहां पर मिल चुकी है, एक n की कीमत और m की कीमत, लेकिन जो मसावात है उसमें उसमें कहीं पर भी m और n नहीं है। वहां पर तो कीमत मुतगैर x और y था, तो बच्चों हमको x और y की ही कीमत मालूम करना है, m और n तो हमने फर्ज किया था, तो जो हमने फर्ज किया अब उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया, यानी आप उसकी जगह पर जो हमने फर्ज किया उसको हटाएंगे और जो हमारी कीमतें आई वो रखेंगे। तो फर्ज हमने क्या किया था, x बटे x बराबर m और x बटे y बराबर n, तो पहले m को ले लेता हूं, चलिए x बटे x, पहले ये m की कीमत यहां लिख लेता हूं मैं ऊपर, m बराबर n, लेकिन x बटे x बराबर m है, यहां पर लिखे x बटे x बराबर m, ये हमने फर्ज किया था। तो अब m की कीमत जो आई वो यहां रख दीजिए, तो हमारे पास आएगा x बटे x बराबर 9। अब ये क्या कीजिए, 9 को इधर लेकर आइए और x को इधर लेके जाइए, 9 इधर बटे में आ जाएगा, x उधर से ले आएगा, तो x की कीमत अपने आप मिल जाती है, तो x बराबर 1/9 ये कीमत आ गई x की। तो यही हमको बोला था हल करना है, मतलब x और y की कीमत मालूम करना है, तो अभी x की कीमत आ गई है बच्चों। चलिए अगली कीमत मालूम करते हैं, तो अभी हमारे पास n बराबर 1 है, तो n के लिए क्या फर्ज की थे हमने, 1 बटे y बराबर n, तो उसी को लिख लेते हैं, पहले n बराबर 1 लिखते हैं, उसके बाद 1 बटे y बराबर n लिखते हैं और 1 जो है n की जगह पे रख देते हैं, तो 1 बटे y बराबर 1, तो ये 1 को इधर लेकर आ जाइए, तो 1 बटे 1 यानी y बराबर 1, बहुत आसान था यहां से बच्चों। अब ये दो कीमतें आ गई, यही मसावात का हल है, 1/9 और 1, ये मसावात का हल है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरह ये सवाल है बाकी चारों सवाल भी उसी तरह है, आपको इसी तरह उनको हल करना है। तो मैंने अगला जो सवाल है, चौथा सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है, यानी पहला ये पहला सवाल था, दूसरा और तीसरा ये आपका होमवर्क, ये आप खुद कीजिए, और चौथा मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो चलते हमें अगले सवाल पे, चौथा सवाल देखिए यहां पर मैंने लिया है, 1/3x जमा वाई जमा 1/3x नफी वाई बराबर 3/4, और दूसरी मसावत है 1/2 और कॉस में 3x जमा वाई नफी 1/2 कॉस में 3x नफी वाई बराबर नफी 1/8। अब देखिए यहां भी 3x जमा वाई है, यहां 3x नफी वाई है, 3x जमा वाई 3x नफी वाई, ठीक है। तो यहां पर जो 1/3x जमा वाई है 3x नफी वाई है, यहां पर भी 1/3x जमा वाई है 1/3x नफी वाई है, इसको हम फर्ज करेंगे जैसे हमने वहां पर फर्ज किया था 1/x बराबर m 1/y बराबर n, ऐसे यहां पर इसको फर्ज करेंगे हम, और फर्ज करने के बाद ये मसावात को बदलेंगे, तब्दील करेंगे और उसको हल करेंगे जैसे हमने पिछली मसावात हल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आसान है, देखिए सोल्यूशन मैं इसका लिख रहा हूं, पहले मसावात को लिख लिया मैंने, ये पहली मसावात हमने जैसी थी वैसी लिख लिया। अब जैसे मैंने बताया आपको, फर्ज कीजिए क्या फर्ज करना है, अब आप बता सकते हैं बच्चों आसानी से, इसको m ले लीजिए, इसको n ले लीजिए, तो 1/3x जमा वाई बराबर m और 1/3x नफी वाई बराबर n, ये दो दो जो है मुतगैर हमने फर्ज कर लिया। अब उसकी जगह पर रख दीजिए बच्चों, इसकी जगह m, इसकी जगह n, तो बराबर 3/4, तो क्या मसावत बनेगी आप आसानी से आप बता सकते हैं, वेरी गुड, m जमा n बराबर, पुट इन द इक्वेशन, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा लिख रहा हूं यहां पर, तो m जमा n बराबर 3/4, क्योंकि इसकी कीमत m, इसकी कीमत n, 3/4 जैसा था वैसा ये मसावात नंबर 1 आई है। अब जैसा हमने यहां लिखा था वैसे ही हम मसावात नंबर 2 में भी लिखेंगे, तो पहले मसावात जो ऊपर जो हमको गिवन मसावात है, दीवी मसावात, उसको लिख लेता हूं बच्चों। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, देखो 1/2 और कॉस में 3x जमा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये कीमत हटाना है, दो तो ऐसे ही रहेगा, उसको तो हमने फर्ज ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ इसकी कीमत फर्ज किया ये जो है, तो इसकी जगह आपको m रखना है और इसकी जगह आपको n रखना है। देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो 1/3x नफी y और 1/3x जमा y जो है, इसकी जगह आपको m, इसकी जगह आपको n रखना है, तो जब मैं इसकी जगह m रखूंगा तो नसब नुमा में 2 जैसा है वो वैसे ही रहेगा, नसब नुमा का 2 हटेगा नहीं, तो देखिए और यहां पर भी नसब नुमा का 2 हटेगा नहीं बच्चों, तो यहां पर बनेंगे हमारी मसावात 1/2 नफी 1/2 बराबर नफी 1/8, समझ में आया मैंने किस तरह किया। तो ये नसब नुमा में 2 है, जो भी अदद नसब नुमा में है आपको उसको उसी तरह रखना है,
वो हटेगा नहीं वहां से, क्योंकि हमने कीमत, हमने जो फर्ज किया था वो इसकी जो है वैल्यू फर्ज की थी। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये जो m बटे दो माइनस n बटे दो है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का नसब नुमा सेम है, अब ये हटाना है हमको नसब नुमा में, कभी जब नसब नुमा हट जाएगा तो ये मसावत आसान हो जाएगी। तो मैं हटाने के लिए, इस नसब नुमा को हटाने के लिए दो से जो है पूरी मसावत को जरब करूंगा। तो देखिए लिखेंगे हम दो से जरब करने पर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर देखिए m बटे दो इसको भी दो से जरब किया, n बटे दो इसको भी दो से जरब किया, नफी 1/8 इसको भी दो से जरब किया। तो पहले मैं ये दो और ये दो को काट देता हूं, ये दो दो कट जाएगा, ये दो दो भी कट जाएगा, ये दो दो भी कट जाएगा, और ये दो एका दो और दो दुनी दो चौक 8, तो यहां पर 4 बचेगा। तो अब हमारे पास मसावत बनी m माइनस एन बराबर नफी 1/4, मसावात नंबर 2 आ गई बच्चों। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह आसान सूरत में वो मसावात को लेकर आया। अब ये दोनों मसावात हमारे पास आ चुकी है, इन्हीं दोनों को हमको हल करना है। जैसे ही मैंने बच्चों पिछले मसावात ने बताया था कि एक मुतगैर को आपको यहाँ से कैंसिल करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, इखराज करना है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बस आपको मैं आसान लफ्ज में बताता हूँ, एक मुतगैर को आपको यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, जिस मुतगैर को हटाना है डिसाइड कीजिए। जैसे m को हटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ये सब m भी मसावी है और n भी मसावी है, तो आप तफरीक का अमल थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। तो देखिए n की निशानी यहाँ पर जो है वो नफी है और यहाँ जमा है, तो हम आसानी से मसावात की जमा कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्योंकि n n सेम है, मसावी है, और उसको हटाने के लिए उसकी निशानियां भी नफी जमा है, तो हमको तफरीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मसावात की जमा कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे एन को यहाँ से इखराज करना है, खारिज करना है। तो खारिज करने के लिए अब मैं इन दोनों मसावात की जमा करता हूँ। तो मसावात 1 और 2 की जमा करने पर तो ये मसावात 1 है और ये मसावात 2 है। चलिए दोनों मसावत आ चुकी है हमारे पास, इसकी जमा करेंगे। देखो बच्चों फिर से बता रहा हूँ, जमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको जो निशानी है दोनों की अलग अलग है, जमा नफी है, अगर सेम रहती तो हम माइनस करते थे। ठीक है, जो इसको अब यहाँ पर एन और एन को काट देते हैं, तो एम जमा एम 2m और 3/4 नफी 1/4, जैसा है 3/4 में से नफी 1/4 करेंगे, तो देखिए 2m बराबर 3/4 नफी 1/4, ये 3/4 में से नफी 1/4 करेंगे। अब ये जो दो कसर आई बच्चों याद रखना, देखिए इनका नसब नुमा देखो सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, जब दो कसर का नसब नुमा एक जैसा होता है तो हम उसको नसब नुमा को एक बार लिखते हैं, और ऊपर ऊपर की जमा है तो जमा करते हैं, तफरीक है तो तफरीक करते हैं। ये कब करते हैं, जब दो कसर में आपको जमा करना हो या नफी करना हो। अब यहाँ पर नसब नुमा सेम है तो ही आप 3 में से 1 निकाल सकते हो, अगर नसब नुमा दोनों का अलग होता तो फिर आपको तिरछी जरब करना पड़ता बच्चों, ये याद रखो। हाँ, तो नसब नुमा सेम है एक जैसा है, इसलिए मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, और 3 में से 1 निकालूंगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2m बराबर 3 में से 1 गया 2, और नीचे नसब नुमा सेम है इसलिए एक बार, तो 4/4। अब क्या करना है, इसको तकसीम कर दीजिए, या कर देता हूँ पहले, चलिए m 2 एका 2, 2 दुनी 4, तो यहाँ पर बचेगा 2m बराबर 1/2। ठीक है, अब हमको m की कीमत मालूम करना है, तो ये 2 को इधर लेकर आइए, तो ये इधर नसब नुमा में आ जाएगा, 1 के तकसीम में आएगा और 2 के साथ जरब में हो जाएगा, तो m बराबर 1/2 जरब 2, यानी ये 2 को इधर लेकर आया मैंने 2 के पास, तो m बराबर 1/4, तो ये m की कीमत आ गई बच्चों। इसी तरह हमको n की कीमत मालूम करना है। अब क्या कीजिए, ये जो मसावात है हमारे पास 1 और 2, इसमें आप m की कीमत रखिए, तो आप आसानी से मसावात नंबर 1 आसान है तो उसको लेते हैं हम, चलिए उसमें रखते हैं। तो मसावात 1 में कीमत रखने पर, मसावात 1 में हमको ये कीमत रखना है, तो मसावात 1 लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, m जमा n बराबर 3/4, और m की जगह पर रखते हैं 1/4, तो देखिए मैं इसकी जगह पर रख रहा हूँ 1/4, n की जगह पर n और 3/4 जैसा है वैसा बच्चों। अब ये 1/4 को उठाकर इधर लेके जाइए, बराबर की जब उधर जाएगा, इधर जमा में है तो बराबर के उधर जाने के बाद उसकी निशानी बदल जाती है, तो वो मनफे में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n बराबर 3/4 माइनस 1/4, फिर वैसे ही देखिए यहाँ पर जैसा था सेम टू सेम यहाँ पर आया है, दिख रहा है आपको, तो आप वैसे ही करेंगे हम, n बराबर 2/4 और 2 एका 2, 2 दुनी 4, यानी m बराबर 1/2। तो बच्चों m और n की कीमत आ चुकी है। अब ये तो मुतगैर हमारे पास मसावात में था नहीं, m और n, वो तो हमने फर्ज किया यहाँ पर, तो आप जो फर्ज किया उसकी कीमत वापस रखेंगे,
वापस रखने पर फिर मसावात बनेंगी और उसको हल करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ एम और एन कीमत तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमने एम निकाला, एम बराबर एक बटे चार, लेकिन हमने एम जो फर्ज किया था वो एक बटे तीन एक जमा वाई बराबर एम, ये फर्ज किया था। अब इसकी जगह पर एक बटे चार रख देंगे, तो एक बटे तीन एक जमा एक बटे चार। अब तिरछी जरब कीजिए, तीन एक्स जमा वाई एका तीन एक्स जमा वाई, इनकी तिरछी जरब होंगी और चार एका चार, तो ये आ जाएगा तीन एक जमा वाई एका तीन एक जमा वाई और चार एका चार, तो ये मसावात मिली और ये मसावात नंबर तीन है। अब जैसे मैंने m की कीमत रखा, आप बच्चों n की कीमत रखेंगे तो देखिए वही मसावात और एक मिलेगी हमको। तो पहले जो हमने फर्ज किया था उसको लिख लेता हूं मैं, एक बटे तीन एक्स नफी वाई बराबर एन, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, n की कीमत रखना है एक बटे दो, तो रख देता हूं। चलिए बच्चों एक बटे दो एन की जगह पर रख दिया, देखिए मैंने रखा है। अब इसी भी तिरछी जरब कीजिए, तीन एक्स नफी वाई एका तीन एक्स नफी वाई दो एका दो, तो यहां पर बनेगी मसावात तीन एक्स नफी वाई बराबर दो और ये मसावात नंबर चार। देखिए m और n की कीमत आने के बाद और दो मसावात बनी बच्चों, और अब इन दो मसावात को हल करके हम x और y की कीमत मालूम करेंगे। तो चलिए पहले मैं दोनों पर मसावात को यहाँ पर अब कैसे मालूम करेंगे, तो वही तरीका बच्चों याद रखिए, एक मुतगैर को खारिज करना है। अब किसको खारिज करना है, तीन एक्स भी एक जैसा है, वाई वाई भी एक जैसा है, लेकिन देखिए वाई की निशानी जमा है, यहाँ वाई की निशानी नफी है, तो आसानी से कट जाएगा वो, तो हम वाई को खारिज कर देंगे। तो वाई को खारिज करने के लिए हम लिखेंगे मसावात तीन और चार की जमा करने पर, मसावात डिकेडिंग थ्री एंड फोर, मतलब तीन और चार की जमा करने पर। पहले दोनों मसावात लिख लेता हूँ बच्चों, ताकि इधर लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। देखिए पहली मसावात तीन एक्स जमा वाई बराबर चार, और दूसरी मसावात यहाँ लिख लेता हूँ तीन एक्स नफी वाई बराबर दो। अब इन दोनों की हमको जमा करना है बच्चों, तो जमा करते हैं। चलिए पहली मसावात लिखते हैं तीन एक्स जमा वाई बराबर चार, दूसरे नीचे लिखते हैं तीन एक्स नफी वाई बराबर दो, और इनकी जमा करते हैं। यहां से जमा करने के बाद देखिए जमा किया, अब ये वाई और ये वाई को काट दीजिए, क्योंकि इसकी निशानी जमा है, इसकी निशानी नफी है, तो कट कर देते हैं। तो तीन एक्स छः एक्स, वेरी गुड, और यहाँ पर चार और दो छः, छः को इधर लिख रहा है ये बच्चों, तो एक्स बराबर छः बटे छः, यानी एक्स बराबर एक, आसानी से जवाब आ चुका हमारा। तो x की कीमत आई, y की कीमत मालूम करो बच्चों। तो ये x की कीमत जो है, ये जो आसान मसावात है हमारे पास तीन और चार, उसमें रखेंगे। तो मसावात तीन में रखने पर, मैंने लिखा है देखो यहाँ पर, मसावात तीन में रखने पर, मसावात तीन को लिखता हूं मैं, तीन एक्स जमा वाई बराबर चार लिखा हूं बच्चों। अब x की जगह पर एक रखिए, तो हमारे पास मिलेगा तीन जरब एक जमा वाई बराबर चार, तीन का तीन और तीन को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर तीन का तीन लिख लिया मैंने पहले, जमा y बराबर चार, ये तीन को उधर ले जाइए, तो y बराबर चार नफी तीन, क्योंकि इधर जमा में उधर गया तो नफी में हो जाएगा, चार में से तीन गया एक, तो y बराबर एक। तो मसावात का हल आया बच्चों x बराबर एक y बराबर एक। उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों सवाल जो मैंने लिया है मश्क एक अशारिया चार के, चार सवाल आते हैं उसमें, दो आपको करना है, दो मैंने बताया है। अगर आपने वीडियो गौर से देखा होगा तो आप ये सवाल समझ गए होंगे, और बाकी सवाल आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर सवाल को हल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अपने दोस्तों जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे तलबा है, उनमें शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाहु तआला खैर।